कैसे हो आप? आज हम आए दोपहर में, मेरी दोपहर में ही सब्जी लेने के लिए। ये देखो टमाटर खरीदने में लग रही है। इतनी गर्मी में टमाटर खरीदना है दोपहर में? इतनी गर्मी ये भी आई है। ये पोपी, ये पोपी इधर देख, ये पोपी, ये घोड़ा जा रहा था। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा गर्मी है। दो तीन किलो इकट्ठे लेने हैं, दो तीन किलो और सब्जियाँ भी लेंगे। ऑन कर लिया मैंने कैमरा, चलें। जय गुरु जी, राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम चले थे दोपहर में टमाटर लेने, टमाटर ख़त्म हो रहे थे, खाना बनाना था मुझे, तो इसलिए तो यहाँ मंडी हमारे पास में ये 5 मिनट का रास्ता है बाइक से पास, तो फिर ये बाइक पे आज मतलब इनकी छुट्टी है, मंडे है, तो इनको ले आई थी अपने साथ। और यहाँ पे ना फिर हम तरबूजे खरबूजे वाला भी दिख गया, तो वहाँ से हमने तरबूजे खरबूजे भी खरीद लिए। 20 रुपये किलो तरबूजे था, खरबूजा नहीं पता मुझे, पता नहीं, ये शायद 40 बता रहे थे, कंफ्यूज हो गई, मुझे पता नहीं है, तो इसलिए तो यहाँ पे तरबूजा भी लिया एक हमने और एक दो खरबूजे भी लिए थे। तो यहाँ पे बस अब उनका रेट करवा लेते हैं। घर पे ठीक है, बैग खोलो, बैग में डाल दो। देखो इस टाइप की हो रही वहाँ पे, वहाँ पे आगे ये रही, ये वाली भारी है, हल्की नहीं है। चले और ना यहाँ पे मतलब फिर ये छुट्टी पे ही थे तो ये आए थे ना साथ में, तो फिर मतलब कि उन्नति की ना चप्पल भी ले ली, क्योंकि वो जूते ही पहनती, इतनी गर्मी हो रही है फिर जूते गर्मी में, इसलिए ये फर्स्ट टाइम उसकी चप्पल ली है ऐसे स्लीपर, वरना सैंडल पहने हैं उसने या फिर शूज़ पहने हैं जूते, बस ये फर्स्ट टाइम है उसका चप्पल का एक्सपीरियंस। देखना कितनी खुश हो रही है पहन के वो। बेटा पहन के देखना, अच्छी आगे है। बढ़ा दो पैर, अच्छी है, निकलेगी तो नहीं थप्पड़। साइज तो सही है, सही है, सही है, झूठ है ये, सही है, सही है, थोड़ा बहुत ज्यादा बहुत बड़ी हो जाएगी, हां बाद में चेंज कर लूंगी, कैरी पहनाओ। कितने की है इसकी? ये तो नहीं दुख जाएगी, इसमें मोटी मोटी वो है ना लुप्पी सी, अरे अंगूठा दुखेगा तो नहीं। ये सही है, सही चल रही है, जूता उठा लो। हाँ जी,
तो ये हमारे यहाँ की चप्पल मार्केट है। यहाँ पे ज़्यादातर मतलब मार्केट है, ये थोड़ी सी बड़ी मार्केट है। चप्पल चप्पल सैंडल्स मतलब हर मतलब चप्पल शूज मार्केट है एक समझ लो। तो यहाँ पे उन्नति देखो चप्पल पहन के सीधा बाहर निकल के आ गई। इसके पापा पेमेंट कर रहे हैं तो ये बाहर आ गई है सीधा। मैंने भी अपनी एक जोड़ी चप्पल ली थी, दिखाई नहीं है, सॉरी, जब बाद में दिखाऊंगी मैं, मतलब फिर मैंने कैमरा ऑफ कर लिया था, फिर मैं दिखा नहीं पाई वो मैं इसलिए लाई मेरी चप्पल। एक तो वो वाली भी थोड़ी मतलब घर में तो चल जाती, लेकिन बाहर मार्केट वगैरह आओ जाओ तो फिर थोड़ी चप्पल ठीक होनी चाहिए, तो इसलिए ले ली। काफ़ी टाइम बाद ली है मैंने चप्पल। और यहाँ पे फिर हम घर आ गए थे एक सवा एक बजे, फिर पानी वगैरह पिया। फिर यहाँ पे ना इन्होंने ये चिपकाया, यहाँ पे पानी टपके जा रहा है कूलर में, पता नहीं क्या हो गया, क्यों टपक रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो 1:30 बज रहा था इस टाइम। यहाँ पे मैंने छोले सुबह भिगो दिए थे, तो यहाँ मैं छोले उबालने रख रही हूँ। दोपहर का 1:30 बज रहे। नाश्ता तो हमने सुबह कर लिया था, ब्रेड दूध और ब्रेड और चाय, और इन्होंने दूध वगैरह ले लिया था। और यहाँ पे मैंने चाय पत्ती का पानी उबाल लिया है तो छोलों में डालूंगी। तो यहाँ पे ये देखो ये छलनी ले लिया, चाय पत्ती का पानी उबल गया है तो इसको छोलों में डाल दूंगी ताकि अच्छा कलर आ जाए। आप चाहो ना एक कॉटन का कपड़ा लेके अच्छा सा उसमें चाय पत्ती की मतलब छोटी सी पोटली बना के छोलों में ही डाल सकते हो, है ना। मेरे पास पर था नहीं तो मैंने ऐसे उबाल के ही डाल लिया, आप जैसे मर्जी डाल सकते हो। यहाँ मैंने छोले उबालने रख दिए हैं, और जब तक मेरे छोले उबल रहे हैं तब तक मैं यहाँ लगा लेती हूँ मैदा। और अब तो शायद आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो बस ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो बनाऊँगी, अब तो पता चलेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोइन डाल दिया है, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के दही डाल दिया, सॉरी वीडियो ऑन करना भूल गई, ये मैंने दही डाला है, ये देखो ये करीब आधी कटोरी दही डाला है मैंने। तो इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, और इसमें नमक भी डाला है मैंने थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा नमक। और आप इसमें अगर चाहो तो कई लोग सूजी भी डाल देते हैं क्रिस्पी के लिए, लेकिन मैंने नहीं डाली, आप अगर पसंद करते हो तो डालो। यहाँ मैंने ना ये मेरा ना इनो डाला है मैंने थोड़ा सा, और मेरा ना वो क्या कहते हैं मीठा सोडा ना रखे रखे ख़राब हो गया, मतलब उसमें अब वो काम नहीं कर रहा। तो मैंने फिर ये इनो का पैकेट मंगा लिया, पहले मंगाया था तो वो ख़राब हो गया था रखा रखा सोडा। मीठा सोडा डाल सकते हो आप इनो की जगह, मैंने इनो डाला था थोड़ा सा। और यहाँ पे ना देखो ये मैंने तेल गरम हो गया, जीरा डाल दिया मैंने, बड़ी इलायची छोटी इलायची काली मिर्ची ये लिए, आप चाहो लौंग डाल सकते हो, मैं तो ज़्यादा गरम मसाला और गरम तेज़पत्ता सॉरी ज़्यादा मैं ज़्यादा गरम और भी डाल सकती थी, पर मैं इसलिए नहीं डाल रही, गर्मी हो रही है ऊपर से, और फिर हमारे मतलब ये लोग ज़्यादा तेज़ मसाले हो जाता है ना फिर खाते नहीं है इसलिए। और मैंने हींग डाल दिया, ये मसाले भून जाएंगे। उसके बाद डाल दिया मैंने टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट। तो बस यहाँ पे सिंपल प्याज वगैरह नहीं डालूंगी, बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। और फिर बस हाँ यहाँ पे मेरे छोले सॉरी छोले उबल चुके हैं, साइड में रख रहे हैं। तो यहाँ मैं मसाला अपना रेडी कर रही हूँ, यहाँ पे डाल दिए अपने बेसिक मसाले, आप अपने हिसाब से बना सकते हो मतलब जैसे आपको पसंद है। और यहाँ पे बस यही सब बेसिक मसाले। और यहाँ पे ये देखो छोलों में कलर भी अच्छा आ गया है, मतलब चाय पत्ती के पानी से, ये देखो लग रहा है मार्केट जैसा कलर नहीं हो जाता छोलों में, ऐसे कलर हो गया है। तो बस यहाँ पे मैंने ये तड़का मेरा छोला और मसाला भुन गया अच्छे से, उसमें डाल दिया मैंने छोले। उबाल आने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, हरा धनिया भी रखा था ये मैंने मैंने छोले मसाला डाला है सॉरी छोले मसाला भी डाला है बाद में थोड़ा उबाल आने के बाद, पहले डाल दिया लेकिन इतने में तो उबाल आ ही गया सॉरी उबाल आ ही गया। और यहाँ पे मैंने डाल दिया कस्तूरी मेथी, उबाल आ गया अच्छे से इसमें। और धनिया डाल सकते हो, धनिया मेरा ना साफ़ वगैरह करना था, थोड़ा पीला पीला हो गया, और टाइम भी नहीं था इतना, गर्मी इतनी हो रही थी बस फटाफट लग रहा था बनाए जाऊँ। या मेरा तब तक तेल गर्म हो रहा था, मैंने ना यहाँ पे सलाद काट के रख दिया फ्रिज में ताकि बनाऊँ ना फटाफट बस देती जाऊँ क्योंकि, और यहाँ मेरा तब तक तेल गर्म हो रहा है, इनको मैं देख रही थी क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने टेप लगा दी पूरी उस पर, ये देख रहे हो, फिर इनसे हमने बोला टेप हटा दो क्योंकि जब कूलर चलेगा तो जो वो उसकी वो है ना मोटर हीट करेगी तो फिर ख़राब ना हो जाए कहीं। तो ये मेरे से बोल रहे तू कर ले अपने आप ही, गुस्से में चिड़चिड़े हो गए हैं, मतलब बार बार पानी टपके जा रहा है क्या करें। फिर इन्होंने ना यहाँ पे टेप लगा दी है यहीं पे यहीं से मैं दिखा रही हूँ ना यहाँ से पानी टपके जा रहा है, बस एक एक बूंद पानी टपक रहा है। तो मम्मी भी वही समझा रही थी कि टेप हटा दो क्योंकि फिर फूक जाएगी मोटर, क्या फ़ायदा इसलिए। तो यहाँ से फिर टेप हटा के यहाँ पे ऊपर टेप लगा देंगे, पानी जाएगा तो इधर दूसरी साइड चला जाएगा। और यहाँ पे ये अपना कूलर ही कर रहे हैं हमें, जब तक ना मेरा मैदा मैंने लगा के रख ही दी थी मैदा वाला, हाँ मैंने दिखाया मैदा लगा के रख दी थी मैंने अच्छे से।
आधा घंटा रखी गई है मेरी मैदा, ज़्यादा टाइम नहीं, मेरे को पहले ही लगा के रखनी थी, लेकिन मैं जब गई थी जब ही लेके आई थी मैदा हाथ में, पर कोई नहीं लग गई, गर्मी है तो थोड़ा सा हाँ हो गई ठीक है, लेकिन आप पहले लगा के रख दो एक दो घंटे तो सही ज़्यादा अच्छी रहेगी और अच्छे बनेंगे। मेरे से भटूरे अच्छे बने थे, तो यहाँ मैं अपने भटूरे बेल रही, और मैदा ना ज़्यादा मैंने पतला लगाया ना ज़्यादा टाइट लगाया, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, अगर आप पतली हैंडल कर सकते हो मतलब पतले से बना सकते हो तो आप पतली भी लगा सकते हो। मैंने ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा टाइट, ठीक मीडियम साइज़ की लगाई थी मैदा। तो यहाँ मैंने बेल भी लिया, आराम से बेल भी गए थे, यहाँ देखो मेरे फूले फूले से बन गए हैं भटूरे, और छोले भी मेरे बन ही गए हैं। तो बस सबसे पहले देंगे कृष्णा को खाना, तो यहाँ एक सीख गया, एक और सीख लेती हूँ जल्दी जल्दी से, फिर कृष्णा को दे दूँ, फिर इन लोगों को भी दे दूँ, क्योंकि शायद 2:30-3 का टाइम हो रहा था, तो क्योंकि अब टाइम लग जाता है। फिर मैं आपको पता नहीं दिखाया था मैंने टाइम 1:30 लगी थी मैं बनाने, फिर भी 1.5 घंटे में मैंने बना लिया ठीक है। छोलों में टाइम लगता है तो इसलिए मैदा वैदा में भी टाइम लगता है। यहाँ मैंने तुलसी रख दिया, ये कृष्णा को दे दिया है खाना, तो बस चलिए ये लग गई है मम्मी की भी थाली, तो आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और यहाँ पे ना दही दूंगी, मम्मी दही डालेंगे ऊपर से, रायते की कमी रहेगी, छाछ नहीं लाए थे, वरना रायता बहुत अच्छा लगता है, बूंदी का रायता मतलब ऐसे छोले भटूरे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने मम्मी को मिर्ची का अचार दे दिया है और सलाद दे दिया है, तो मम्मी खा रही है। पहले मम्मी ने मेरे को पहला बाइट बुलाया, मैंने कहा मम्मी अब खा के देखो, मेरे को तो ठीक लग रहा है, बाकी मम्मी को भी अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो ठीक है, मेरे को भी अच्छा लगा कि हाँ इतना बुरा नहीं था, मतलब वो बहुत ठीक था, मेरे को बहुत सही लगा, इतना तो ठीक है, और आगे अच्छा और भी कर सकती हूँ मैं जब अब करूँगी ना, तो अच्छा बना था, पर मतलब सबने पेट भर के खाना खाया। यहाँ पे ये भी बैठ गए हैं खाने, इनको भी बहुत तेज भूख लग रही थी। अभी टाइम हो रहा है 3:30 दोपहर के, सोना उधर हो जा बेटा, ये बच्चा पार्टी बहुत शोर कर रहे हैं, और अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मैं लेके आ गई अपने लिए छोले भटूरे, मेरे ये रहे छोलों में मैंने थोड़ा दही डाला है, दही डाल के अच्छे लगते हैं छोले, तो पहली बार बनाए हैं और खाने में तो अच्छे लगे, मम्मी को भी इनको भी, मैंने भी एक बाइट खाया मुझे भी अच्छे लगे, पहली बार सही मतलब सही था मेरा एक्सपीरियंस बनाने का, अब अगली बार और अच्छे से बना पाऊँगी, तो चलिए खा लेते हैं। बहुत तेज लग रही है, और यहाँ पे ये रोने लग रही है, और यहाँ पे ये शोर करने लग रही है, और ये लेटे हुए हैं, तो मैं भी खा लेती हूँ, भूख तेज लग रही है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखो मैंने भी खाना ना खा लिया मतलब, और अभी टाइम शायद 4 बजने वाले, 3:45 का ऐसे कुछ टाइम हो रहा है, 4 ही बजने वाले होंगे, बज भी रहे होंगे। तो यहाँ ना सौरा ना खाना खाया था ना अभी, उन्नति मम्मी सब लोगों ने मतलब बच्चे ज़्यादा गिराते हैं, मम्मी नहीं सॉरी, ये देविका वगैरह खा रही थी ना साथ में, तो इन्होंने भी खूब खाना मतलब भटूरे गिराया बहुत, ये देखो बहुत गिराया इन्होंने, खाया कम गिराया ज़्यादा ऐसे करती हैं, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कूड़ा, बहुत ज़्यादा कर भी देती हैं, गिरा गिरा के खाती हैं खाना। तो यहाँ मैंने बर्तन धुल गए थे, मम्मी ने धो दिए थे, मैंने मना करा था पर धो दिए मम्मी ने बर्तन, तो मैंने खाना खा के फिर झाड़ू लगाई सारे में, पूरा बेड शीट वगैरह झाड़ी, फिर झाड़ू लगाई, फिर मैंने झाड़ू लगा के धोया, क्योंकि चिकना चिकना हो रहा था, यहाँ पे अभी पानी आ रहा था हमारे, इतना ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, बस मन कर रहा था नहा लूँ पानी में, और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो उतना पसीना आ रहा है, क्योंकि पंखा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, इतनी गर्मी लग रही है अभी भी मेरे को, पानी देख के इतना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुँह धो लूँ जाके पानी में, अभी धोऊँगी जाके हैं। और यहाँ देखो ये देवी का उन्नति बैठी हुई है, इन्हें मन कर रहा है जल्दी से ये नीचे आ जाए, मैंने मम्मी ने और मैंने रोक के रखा है, क्योंकि ये कपड़े गीले कर लेती है, और देवी का उन्नति का तो जुकाम ठीक होने में ही नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पे बस करीब 4:30 का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे वाइपर से पानी खींच दे रही हूँ, और इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे अगले व्लॉग में, और अगर वीडियो पसंद है आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और मेरे छोले भटूरे कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, तो ये भी प्लीज़ ये भी सोचना कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, तो मेरे को ठीक लगे, मेरे को लगा था मैं डर रही थी बट अच्छे बने। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।